हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेकिंग प्रोजेक्ट चैनल। तो आज का हमारा वीडियो एक वेल्डिंग मशीन पे है जिसको हम फरी में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम केवल एक जो सेल होता है उसके अंदर जो कार्बन रोड होती है या फिर कार्बन छड़ बोल सकते हो, केवल उसी की जरूरत है। और इसे चलाने के लिए हमें 12 वोल्टेज की बैटरी की जरूरत पड़ेगी और इसमें किसी भी तरह की रोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैटरी से वेल्डिंग करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। हम डायरेक्ट बैटरी से भी वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट बैटरी से वेल्ड करते हैं तो बैटरी का ब्लास्ट होने की जो आशंका है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम एक जो शेल होता है, देखिए इस तरह से जो शेल होता है इसके अंदर जो कार्बन की छड़ होती है उसका यूज़ करके हम एक बहुत ही बढ़िया अच्छी और वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेल्डिंग होगी, जो पतले चादर होती है, लोहे की चादर होती है, उसी पे काम करेगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा इसको हटा करके इसकी जो रोड है उसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको सेल से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम एक वेल्डिंग मशीन तैयार करेंगे। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और इसी को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे क्लैंप पे टाइट कर देते हैं। उसके बाद जैसे एक लकड़ी का लेते हैं और मैं आपको इसके द्वारा ये जो दो ब्लेड है इनको वेल्ड करके दिखाता हूँ। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके बाद ही हम वेल्डिंग मशीन तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस प्लेट को ऊपर रख देते हैं और इसे वेल्ड करते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये वेल्ड हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, तो ये इस तरह से काम करेगा। अब मैं जो वेल्डिंग मशीन है एक इसको अच्छे तरीके से बना करके आपको दिखाता हूँ।
मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब मैं इससे आपको एक वेल्डिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्प्रिंग को फिट कर दिया है और यहाँ पे कार्बन रोड को भी फिट कर दिया है, और यहाँ से देखिए ये जो वायर आ रही है जो जिसको हम 12 वोल्टेज बैटरी सप्लाई दे हैं, ठीक है, इस तरह से काम करेगा। तो अब मैं वेल्डिंग करके दिखाता हूँ आपको, जो कि एक ब्लेड है, मैं उसको तोड़ करके, ठीक है, अब मैं इस ब्लेड को यहाँ से वेल्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बैटरी को इससे कनेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और अब मैं दूसरा वायर भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, अब मैं आपको इससे वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा कैमरे को सही से फिट कर देता हूँ ताकि वेल्डिंग होते टाइम आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो अब देखिए शायद आपको कैमरे में अच्छे से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं यूं ही दिखा देता हूँ इसको, देखिए, ठीक है, इस तरह से काम करेगा। और ये जो धुआं निकल रहा है, ये जो कार्बन छड़ होती है ये गर्म होने लगती है, ठीक है, तो इसके अंदर से ये धुआं निकलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे लकड़ी जल रही है, इसके अंदर से ही धुआं निकलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दो ब्लेड है इनको मैं आपको वेल्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने नीचे लगा दिया और अब मैं इसको ये देखिए ये वेल्ड हो चुकी है और ये भी देखिए काफ़ी गर्म हो चुका है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसको देखो तो ये एकदम जो स्पॉट वेल्डिंग होती है ये एक तरह की स्पॉट वेल्डिंग है, ठीक है। तो आप पतली जो चादर होती है उनको स्पॉट वेल्डिंग के जरिए अच्छे से वेल्ड कर सकते हो। एक जगह और करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए दो जगह इसने वेल्ड कर दी है, शायद आपको कैमरे में अच्छे से नज़र आ गई, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए ये गर्म होने का ये जो कार्बन रोड है इसके अंदर से धुआं निकलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जल रहा है और ये ना ही खराब होता है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी पतली चादर को वेल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।